खलनायक का खास आदमी, घर का मैनेजर या फिर ऐतिहासिक फिल्मों का ब्रिटिशर, फिल्मी पर्दे पर अक्सर यही परिचय होता था बॉब क्रिस्टो का। बॉब क्रिस्टो मूल रूप से तो ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन हिंदी फिल्मों के चहेते विलन थे। बॉब की जिंदगी को अगर रिवाइंड करके देखें, तो उनके व्यक्तित्व की तरह ही उनकी जिंदगी भी हर पल में नयापन लिए हुए थी। वो अपनी ही धुन में जिंदगी जीते थे, सपनों को वो हसरतों में ढालते थे और हसरतों को सच्चाई में। एक, your friendship, और दूसरा तुम्हारा मेहमान आवाजी और enjoyment, जिसको हम कभी नहीं भूल सकता। बॉब क्रिस्टो यानी एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर जो इमारतें बनाता था, उनके व्यक्तित्व ने उन्हें मॉडलिंग के बहुत से असाइनमेंट दिलाए और एक दिन अचानक टाइम मैगजीन में परवीन बॉबी का फोटो देख उनसे मिलने की चाह बॉब को हिंदुस्तान खींच लाई। यहां उन्हें अभिनेता और फिल्म निर्माता संजय खान ने अपनी फिल्म अब्दुल्ला में एक्टिंग का ब्रेक दिया। हजारों साल पहले एक कृष्णा आया था जिसने कंस को खत्म किया था, और अब एक कृष्णा तुम्हारी मौत का पैगाम लेके आया है। फिर तो एक के बाद एक फिल्मों का सिलसिला चल निकला। कालिया, मर्द, कुर्बानी, गुमराह और रूप की रानी, चोरों का राजा और ऐसी कितनी ही फिल्में उन्होंने की। देखा जाए तो बॉब की कहानी भी फिल्मों से कम नहीं थी। अपनी इसी जिंदगी को शब्दों में उतारा और नाम दिया फ्लैशबैक। 20 मार्च 2011 को बुरे किरदार निभाने वाला ये अच्छा शख्स 72 साल की उम्र में हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गया, हमसे ये कहते हुए कि जिंदगी को सरहदों में नहीं अपनी शर्तों पर जियो, ताकि तुम्हें कभी खुद से गिला ना हो। पर्दे पर भले ही उनके मरने पर देखने वालों को खुशी होती थी, लेकिन असल जिंदगी में उनसे मिलने वाले हर शख्स को दुनिया से उनकी विदाई दुखी कर गई।